I have written a speech for Republic Day. Please check it. I am unable to understand. Please water it down. Here she spoke. You should water it down. Water it down क्या होता है? जब भी कोई ऐसे कोई चीज आप इसमें इन्होंने स्पीच में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रखे हैं जो शायद किसी को हर्ट कर सकते हैं, हो सकता है किसी को परेशान कर सकते हैं, या फिर उसमें कुछ ऐसे टफ वर्ड्स हैं जो कि उनको समझ में नहीं आ रहे. उन्होंने कहा आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज वॉटर इट डाउन. मतलब इस स्पीच को थोड़ा और सिंपल बनाइए, सही शब्दों को यूज करो ताकि इसके हमें समझ में आ सके. बोलते वॉटर इट डाउन टू मेक सम टू रिड्यूस समथिंग मोर एंड मेक समथिंग वीकर. किसी को और वीक कर देना और उसको अच्छे से बना देना, तो उसको और उससे इजी बना देना, तो बोलते हैं वॉटर समथिंग डाउन. जैसे आई वॉज गोइंग टू प्रेजेंट माई प्रेजेंटेशन बट माई टीचर सजेस्टेड मी प्लीज वॉटर डाउन द प्रेजेंटेशन सो दैट ऑल द पीपल कुड अंडरस्टैंड दिस, ताकि सब समझ पाए. सो आई हैड टू वॉटर डाउन द प्रेजेंटेशन, मतलब मुझे उसको इजी करना पड़ा. किसी को और इजी बनाना और आसान बना देना बोलते वॉटर डाउन, और वीक कर देना उसको और उसे कमजोर कर देना उसे, तो ताकि उसमें लोग आसानी समझ पाए. She is going to perform on the stage on 26th of January. So she has prepared a speech. अब वो स्पीच वो सॉन्ग आएगा नहीं आएगा, उन्होंने किसने शब्द यूज किए हैं, तो उन्होंने कहा प्लीज वॉटर इट डाउन. उन शब्दों को सही यूज करिए, सही इस्तेमाल करिए. तो उन्होंने कहा वॉटर इट डाउन. वॉटर डाउन मतलब ये होता है किसी को ईजी करना, इसको और आसान बना देना, आसान भाषा में कहना. तो वॉटर समथिंग डाउन, इसका पास्ट में वॉटर्ड हो जाएगा. आई वॉटर्ड डाउन द स्पीच, आई वॉटर्ड डाउन द बिल, आई वॉटर्ड डाउन द लॉ. तो इसको सिर्फ बना सकते हैं इसको. इंग्लिश सीखने पे चले जाते इंग्लिश. थैंक यू.